Hello everyone, welcome to Avipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisar and today we are going to study class 9 subject English unit 2 reading C Ashok Rathore's Football Oscar. And today's video lecture we will see grammar parts. So let's see, आज का जो grammar है वो clause को लेकर के है. Clause जो कि group of words होते हैं और जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम एक वर्ब होनी चाहिए, उसे ही हम कहते हैं क्लॉज. किसी भी सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं, इट मीन्स दो क्लॉज, तीन क्लॉज या फिर ज़्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं. अब ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट एंड वर्ब की संख्या के ऊपर. जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ, अब ये जो सेंटेंस है कि I run, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, I एक सब्जेक्ट है एंड run ये एक वर्ब है, तो हम इसे क्लॉज मान सकते हैं. यस, ये क्लॉज है. क्लॉज क्या कहता है कि कोई भी क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए, उसे हम क्लॉज कहते हैं. सो ये हो गया आयरन. अब जो क्लॉज है, क्लॉज के दो टाइप है, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज इट मीन्स क्या है, नाम से स्पष्ट है, जो स्वतंत्र है. यानी जैसे मैं कहूँगा आयरन, मैं दौड़ता हूँ, इट मीन्स ये स्वतंत्र है. इसे बोलने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की या दूसरे किसी क्लॉज की मदद लेने की ज़रूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही है. इट मीन्स ये एक स्वतंत्र है यानी इंडिपेंडेंट है, सो इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज. एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज. अब डिपेंडेंट क्लॉज इट मीन्स परतंत्र क्लॉज, यानी समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो डिपेंड हो. किस पर डिपेंड हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, जो डिपेंड हो, जो निर्भर करता हो, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. यदि हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो इसे यदि हम बोलते हैं तो बिना इंडिपेंडेंट क्लॉज के ये अधूरा सा लगता है, इसीलिए इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसके थ्री टाइप्स है, एक है नाउन क्लॉज, एक है एडजेक्टिव क्लॉज एंड एक है एडवर्ब क्लॉज. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, पहले हम समझ लेते हैं. आज के जो कोर्स है इस कोर्स में हम जानेंगे आगे नाउन क्लॉज के बारे में एंड एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में. सो एग्जांपल्स है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई डोंट नो व्हाट ही डज फॉर लिविंग. इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आई डोंट नो यहाँ पे और ये व्हाट ही डज फॉर लिविंग, यहाँ पे ध्यान से देखना है. यहाँ पे आई एक सब्जेक्ट है और डोंट नो ये एक वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, सो वर्ब होनी चाहिए बस. सो यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये क्लॉज है. यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट है एंड ये जो डज है ये एक वर्ब है. सो यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये भी एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है. अब यहाँ पे ध्यान देना ये है, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, इसे हम कभी भी किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट नो मैं नहीं जानता. सो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो ये कौन सी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज. और ये व्हाट ही डज फॉर लिविंग, मैं नहीं जानता कि वह जीवन यापन करने के लिए क्या करता है, कि वह जीवन यापन करने के लिए क्या करता है. यदि मैं ऐसा बोलूँगा तो ये अधूरा सा लगेगा, इट मीन्स ये जो है, ये जो पार्ट है, ये जो क्लॉज है वो इस पर डिपेंड है. सो इसे कहेंगे हम डिपेंडेंट क्लॉज. वैसे एक और एग्जांपल है, ही इज़ माय फ्रेंड हुम यू मेट यस्टरडे. यहाँ पे हम देख सकते हैं ही इज़ माय फ्रेंड, ही इज़ माय फ्रेंड जे एंड whom you met yesterday, जी. अब यहाँ पे भी वैसी सेम कंडीशन है, जैसे यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट है, is एक वर्ब है, ये क्लॉज हो गया, एंड यहाँ पे you एक सब्जेक्ट है एंड meet ये एक वर्ब है, ये भी एक क्लॉज है. अब इसमें स्वतंत्र कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है,
इसे मैं कभी भी बोल सकता हूँ, स्वतंत्र रूप से बोल सकता हूँ। इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये वाला whom you met yesterday, जिनसे आप कल मिले थे या जिनसे तुम कल मिले थे, तो ये जो है जिनसे तुम कल मिले थे, किससे मिले थे, एक क्वेश्चन आ रही है, एक क्वेश्चन आ रहा है। सो ये अपने आप में अधूरा लग रहा है। जब तक मैं ये सेंटेंस नहीं बोलूँगा ये अपने आप में अधूरा लगेगा, जिससे तुम कल मिले थे, तो ये अधूरा सा लग रहा है। इट मीन्स ये वाला सेंटेंस अगर मैं बोलूँगा, वह मेरा दोस्त है जिससे तुम कल मिले थे, तब ये जो सेंटेंस है ये पूरा होगा। सो इसीलिए ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज। सो आई होप कि आप समझ गए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है एंड डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। अब हम जानेंगे नाउन क्लॉज के बारे में एंड एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, क्योंकि इस विषय में, इस कोर्स में इन दो क्लॉजेस के बारे में वर्णन है। अब हम बात करते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज होता क्या है? नाउन क्लॉज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, व्हाट यानी क्या। यदि हम क्या शब्द से क्वेश्चन करते हैं तब आंसर यदि मिलता है तो वो होता है नाउन क्लॉज। यानी किसी सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है उनके साथ ऐड हुए जो डिपेंडेंट क्लॉज है। अब वो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का एक आंसर होता है। यानी क्या शब्द से हम क्वेश्चन करेंगे यदि आंसर मिलता है तो वो होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो है नाउन क्लॉज। सो फर्स्ट देखेंगे, आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट टेल यू, ये एक क्लॉज है, मैं आपको नहीं बता सकता। ये क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। सो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब जो नेक्स्ट जो है क्लॉज है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हाउ टू चीट अदर्स, कि दूसरों को कैसे चीट करें या दूसरों को कैसे धोखा दें। अब ये अपने आप में लग रहा है कि ये इस पर डिपेंड है, यानी ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो डिपेंडेंट क्लॉज के 3 टाइप्स है, उनमें से कौन से टाइप है? सो यहाँ पे हाउ टू चीट अदर्स, कि दूसरों को चीट कैसे करें। अब पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, आई कैन नॉट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता, मैं आपको नहीं बता सकता। अब मैं क्वेश्चन करूँगा व्हाट, क्या नहीं बता सकता, कि लोगों को या अन्य लोगों को चीट कैसे करें। आंसर मिल रहा है व्हाट से, क्वेश्चन करने पे आंसर मिल रहा है। इट मींस ये है नाउन क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज का एक पार्ट है नाउन क्लॉज, तो ये है नाउन क्लॉज। वैसे ही नेक्स्ट है, राम कैन अंडरस्टैंड दैट यू डोंट परफॉर्म योर वर्क प्रॉपरली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि राम कैन अंडरस्टैंड, इट मींस ये जो है राम कैन अंडरस्टैंड, राम समझ सकता है, ये इंडिपेंडेंट है। उसके बाद क्या समझ सकता है, कि दैट यू डोंट परफॉर्म योर वर्क प्रॉपरली। राम समझ सकता है व्हाट, क्या समझ सकता है, कि तुम अपना जो काम है उसको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते हो। यू डोंट परफॉर्म योर वर्क प्रॉपरली। सो क्या क्वेश्चन करने पे आंसर मिल रहा है? इट मींस ये भी क्या है, ये भी है एक नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। सो डिपेंडेंट क्लॉज का एक पार्ट नाउन क्लॉज। वैसे ही और है, व्हेन अशोक वाज अ चाइल्ड हिज फादर शंकर राठौर अ फिशरमैन रिग्रेटेड दैट हिज डॉटर एंड ओल्डर सन हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल। यहाँ पे कहा जा रहा है, व्हेन अशोक वाज अ चाइल्ड हिज फादर शंकर राठौर अ फिशरमैन रिग्रेटेड। सो यहाँ पे अगर हम समझते हैं कि जब अशोक जो है वो जब बच्चा था, जब वो चाइल्ड था, तब उनके पिताजी जो शंकर राठौर थे वो फिशरमैन थे और वो रिग्रेटेड थे, यानी काफ़ी खेद प्रकट कर रहे थे, यानी वो रिग्रेटेड थे। क्या रिग्रेटेड थे, किस बात को लेकर के रिग्रेटेड थे? तो यहाँ पे जैसे क्या क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे एक आंसर मिलेगा, क्या रिग्रेटेड थे या किस बात को लेकर के रिग्रेटेड थे। सो क्या जब क्वेश्चन करेंगे तो वो जो बात है वो सामने आएगी, क्या,
that his daughter and older son had dropped out of school. कि आंसर ये आ रहा है दैट कि उनकी जो बेटी थी एंड उनके जो बड़े बेटे थे वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे, इसी बात को लेकर के वो रिग्रेटेड थे. सो इस तरह से क्या क्वेश्चन करने पे आंसर आया, इट मीन्स क्या फिशरमैन वो रिग्रेटेड थे क्या, तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है. इट मीन्स ये भी क्या है, एक नाउन क्लॉज है. और ये वाला जो भाग है व्हेन अशोक राठौर वाज चाइल्ड हिज फादर शंकर राठौर और फिशरमैन रिग्रेटेड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. वैसे ही अब हम देखेंगे नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज, या एडजेक्टिव क्लॉज या फिर जिसे हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज. अब रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज नाम से स्पष्ट है, एडजेक्टिव क्लॉज जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करे. एडजेक्टिव इट मीन्स विशेषण. अब जो विशेषण होता है उसका काम क्या होता है, विशेषण का काम होता है कि वो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए या उसके बारे में कोई एडिशनल जानकारी दे, तो वही काम करता है रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज. यानी कि ये या तो नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता है, एडिशनल जानकारी देता है या उसके बारे में कुछ ना कुछ कहता है. सो वहाँ पे होता है एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज. जैसे यहाँ पे है ही लव्स विलेज, यहाँ पे ही लव्स विलेज ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वह गाँव से प्यार करता है. बस दैट्स इट, समझ में आ गया. उसके बाद वेयर ही स्पेंट हीज चाइल्डहुड, यहाँ पे क्या कहने पे आंसर नहीं मिल रहा है. यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, वो गाँव से प्यार करता है या वह गाँव से प्यार करता है. अभी जो गाँव है ये एक नाउन है, गाँव एक नाउन है और इस गाँव के बारे में आगे बताया जा रहा है कि वहाँ जहाँ वो अपना बचपन स्पेंड किया है. तो ये जो पार्ट है where he spent his childhood, ये एक तरह से कह सकते हैं कि नाउन की यानी गांव की विशेषता बता रहा है. वो गांव से प्यार करता है जहां वह अपना बचपन स्पेंड किया हुआ है या स्पेंड किया. सो ये जो पार्ट होगा ये होगा रिलेटिव क्लॉज. नेक्स्ट है यू हैव अ प्रीशियस गिफ्ट दैट आई गिफ्टेड यू ऑन योर बर्थडे. You have a precious gift. यहाँ पे you have a precious gift. ये एक independent clause है. तुम्हारे पास एक precious gift है, बहुमूल्य gift है. अब ये independent clause है that I gifted you on your birthday. जिसे मैंने तुम्हारे birthday पे gift किया था. It means यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, जो precious gift है. तुम्हारे पास जो प्रीशियस गिफ्ट है, प्रीशियस गिफ्ट इट मीन्स ये एक नाउन है. प्रीशियस गिफ्ट एक नाउन है, किसी वस्तु कोई वस्तु है. सो यहाँ पे जो नाउन है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि इस वस्तु को किसने दिया था, मैंने दिया था. दैट आई हैव गिफ्टेड, दैट आई गिफ्टेड यू ऑन योर बर्थडे. जिसे मैंने तुम्हारे बर्थडे पे दिया था या गिफ्ट किया था. सो यहाँ पे ये जो पार्ट हो जाएगा That I have gifted you on your birthday, ये होगा relative clause. वैसे ही they would steal or pick up fish that had fallen from baskets to sell and make easy money. जहाँ पे हम देखेंगे तो समझ सकते हैं they would steal or pick up fish. यहाँ पे वो क्या करते थे, वे जो लड़के थे वो क्या करते थे, वो मछलियों को क्या करते थे, चुराते थे या फिर उठाते थे. पिकअप मीन्स उठाना. तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और आगे आगे किसके बारे में बताया जा रहा है, क्या कहने पे आंसर नहीं मिलेगा. यदि नहीं मिलता है और वहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है यानी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताया जाता है, तो वहाँ पे होता है रिलेटिव क्लॉज. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो लड़के थे वो मछलियों को चुराते थे या फिर ठाया करते थे. अब यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, दैट हैड फॉलन फ्रॉम बास्केट्स टू सेल एंड मेक इजी मनी. सो यहाँ पे फिश के बारे में बताया जा रहा है कि जो मछलियाँ थी
वो मछली जो कि एक नाउन है, नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि जो मछलियाँ थी वो क्या थी, दैट हैड फॉलन फ्रॉम बास्केट्स, जो कि बास्केट से गिरी हुई रहती थी, और उन मछलियों को वो क्या करते थे, सेल करते थे एंड वो उससे पैसे कमाते थे. सो ये जो पार्ट होगा वो होगा रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज, और ये जो पार्ट है ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये है रिलेटिव क्लॉज. सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज क्या है एंड नाउन क्लॉज क्या है. अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस से whether the that clause in the sentences below are noun or relative clauses. यहाँ पे that के साथ कुछ clauses दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें find out करना है कि जो clause है, जो that के साथ join है, वो clause noun clause है या फिर relative clause है, तो यहाँ पे हमें पहचानना है. So हमने जान लिया है कि noun clause क्या है and relative clause क्या है. अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इन सेंटेंसेस में कौन से पार्ट नाउन क्लॉज है एंड कौन से पार्ट रिलेटिव क्लॉज है. सो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें नाउन क्लॉज है या फिर रिलेटिव क्लॉज है, और एक जो क्लॉज होगा वो तो रहेगा ही इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसके साथ रहेगा एक डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज में वो नाउन क्लॉज हो सकता है या फिर रिलेटिव क्लॉज. सो लेट्स सी. My school team that was selected for the national games had opted for red jersey. यहाँ पे देखिए जो that के साथ है, that was selected for the national games. My school team, यहाँ पे जो my school team है ये एक noun है and इसके बारे में कुछ additional जानकारी दी जा रही है, अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है कि my school team, जो मेरे school के जो team है वो क्या हुआ था, वो नेशनल गेम के लिए सेलेक्ट हुआ था. ठीक है, हैड ऑप्टेड फॉर रेड जर्सी. तो ये जो पार्ट है माय स्कूल टीम हैड ऑप्टेड फॉर रेड जर्सी, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये जो है दैट वो सेलेक्टेड फॉर द नेशनल गेम्स, ये है डिपेंडेंट क्लॉज. और डिपेंडेंट क्लॉज का कौन सा क्लॉज है, ये है रिलेटिव क्लॉज. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है, यानी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है, और क्या कहने पे आंसर नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट है, द फुटबॉलर सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड टू रीच हिज गोल. सो यहाँ पे देख सकते हैं फुटबॉलर ने कहा, क्या कहा, अब क्या कहा का आंसर आ रहा है दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड टू रीच हिज गोल, कि वो जो है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है. सो यहाँ पे दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड टू रीच हिज गोल, ये जो पार्ट है ये क्या का आंसर है. द फुटबॉलर सेड इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दैट फुटबॉलर ने कहा, क्या कहा, व्हाट, व्हाट से जैसे ही आंसर आया मीन्स हो जाता है वो नाउन क्लॉज. तो ये क्या होगा, नाउन क्लॉज. नेक्स्ट है, That students were dropping out of school was the main problem. यहाँ पे that students were dropping out of school, जो students थे वो school से छोड़ रहे थे, school से drop out हो रहे थे, ये क्या थी, was the main problem, क्या थी ये मुख्य समस्या थी. तो क्या कहने पे answer मिल रहा है, it means जो that के साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्या होगा, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, और क्या से आंसर आया है, इट मींस ये है नाउन क्लॉज. सो हमेशा याद रखना है कि नाउन क्लॉज इट मींस व्हाट, रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज, इट मींस नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देता है या अतिरिक्त जानकारी देता है. नेक्स्ट है, द स्टेडियम दैट इज बीइंग बिल्ट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट मंथ. यहाँ पे देखिए द स्टेडियम, अब जो स्टेडियम है उसके बारे में बताया जा रहा है, दैट इज बीइंग बिल्ट इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, जो कि मेरे घर के सामने बनाया जा रहा है, स्टेडियम को बनाया जा रहा है, विल बी कंप्लीटेड बाय द नेक्स्ट मंथ, वो जो है अगले मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा.
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेडियम है एक नाउन है, और उस नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है कि जो स्टेडियम है वो कहाँ पे बनाई जा रही है, वो मेरे घर के सामने, यानी नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है। इट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज। नेक्स्ट है, द टीचर फाउंड दैट हिज स्टूडेंट्स वर शोइंग इंटरेस्ट इन प्लेइंग कबड्डी। टीचर ने पाया, क्या पाया, व्हाट, सो आंसर मिल रहा है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कबड्डी खेलने में क्या दिखा रहे थे, इंटरेस्ट दिखा रहे थे। इट मीन्स क्या का आंसर मिला, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा ये कौन सा क्लॉज होगा, ये होगा नाउन क्लॉज, टीचर ने पाया। अब जो टीचर ने पाया ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, वैसे ही ये वाला भी पार्ट हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो बचा हुआ है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो ये है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि क्या का आंसर आया, और ये किस टाइप का आंसर है, मीन्स ये किस टाइप का क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है। वैसे ही नेक्स्ट है, दैट द गर्ल्स वोन द मैच वॉज अ मिरेकल। यहाँ पे देखिए, गर्ल्स ने मैच जीते, अब गर्ल्स ने मैच तो जीत लिए, वो क्या था, वॉज अ मिरेकल, वो चमत्कार था, क्या था, चमत्कार। इट मीन्स व्हाट से हमने क्वेश्चन किया, आंसर आया। सो यहाँ पे ये क्या होगा, दैट द गर्ल्स वोन द मैच, ये किस टाइप का क्लॉज है, ये भी क्या है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि क्या शब्द से, क्या शब्द से हम क्वेश्चन करते हैं तो आंसर मिलता है, इट मीन्स वो नाउन क्लॉज होता है। द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दैट द बॉयज टुक आर टू बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर। यहाँ पे द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दैट द बॉयज टुक, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, यानी ये एक नाउन है, और उस नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि इन इक्विपमेंट्स को, इन उपकरणों को बॉयज ने लिया था, आर टू बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर, उनको जो है रजिस्टर करना है, रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये किसके बारे में जानकारी दी जा रही है, यहाँ पे दैट द बॉयज टुक, तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स, उपकरण के बारे में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। इट मीन्स ये किस टाइप का क्लॉज है, ये है रिलेटिव क्लॉज। सो इस तरह से हम नॉन क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज को आसानी से पहचान सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन थैंक यू।